फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम्स किड्स केयर। प्रेगनेंसी के दौरान आपको पता कैसे चलेगा कि आपके डिलीवरी को कितना टाइम बाकी है? कुछ सिम्टम्स होता है जिससे आप गैस कर सकते हैं कि आपके डिलीवरी को कितना टाइम बचा हुआ है। 15 से 20 दिन पहले का सिम्टम्स कुछ अलग होता है, 10 से 5 दिन का अलग होता है, 3 से 4 दिन और जस्ट 1-2 दिन पहले का कुछ घंटों का सिम्टम्स सब अलग अलग होता है। तो मैं जो सिम्टम्स बताने वाली हूँ उसको आप सुन लीजिए और इससे आप पता कर सकते हैं कि आपके डिलीवरी को कितना टाइम बचा हुआ है। अगर डिलीवरी को अभी 1 महीना बाकी है या 15-20 दिन बाकी है तो उस दौरान क्या होता है, पहले तो आपका जो बच्चा है वो सर नीचे कर लेना चाहिए। अगर बच्चे का सर नीचे हो चुका है आपको कैसे फील होगा? आप जब आँख बंद करके फील करेंगे हाथ को नीचे करके नाभि के नीचे की तरफ तो थोड़ा हार्ड हार्ड लगेगा। अगर सख्त लग रहा है तो समझ जाइएगा कि आपका बच्चे का सर नीचे हो चुका है। नेक्स्ट, जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में, व्हाइट डिस्चार्ज कुछ अंडे का जो सफ़ेद पार्ट होता है चिपचिपा उस टाइप का होता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ता है 20-15 दिन पहले आपका थोड़ा डिस्चार्ज बढ़ने लगेगा, थोड़ा चिपचिपा ज़्यादा होने लगेगा और फिर आपको फॉल्स पेन फील होने लगेगा। जैसे पीरियड में जैसे आपको पेन होता है उस टाइप का पेन, लेकिन वो फॉल्स पेन होगा, रेगुलरली नहीं आएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना, और अगर उसके साथ आपको अगर पीठ में पेन भी हो रहा है तो आपको डिलीवरी को अभी टाइम बाकी है। अब बात करते हैं 10 से 5 दिन पहले का क्या सिम्टम्स है। 10 से 5 दिन पहले अगर आपका डिलीवरी होने वाला है तो उस समय क्या होता है, आपका पेट जो है नीचे की तरफ दिखेगा, बहुत हैवी हैवी लगेगा और बहुत ज़्यादा आपका जो बैक पेन स्टार्ट हो जाएगा। उसके साथ किसी किसी का पेट में खुजली भी होने लगता है और उसके बाद आपको प्रेशर फील होगा आपके नीचे की तरफ और बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ेगा आपको यूरिन पास करने के लिए। और उसके साथ ही जो आपका वाइट डिस्चार्ज है वो कभी कभी थोड़ा रेड कलर का, एकदम थोड़ा सा रेड कलर, थोड़ा थोड़ा ब्लड भी आता है उसमें, और किसी किसी का तो वाटर भी पूरा ब्रेक नहीं होता, एकदम साइड से उनका थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लगता है। तो अगर पानी निकल रहा है थोड़ा थोड़ा और आप अगर सो रहे हैं और आपका अंडरगारमेंट्स वेट हो रहा है तो वो यूरिन नहीं है, वो पानी निकल रहा है। तो समझ जाना कि डिलीवरी के आपका नज़दीक है, 5-10 दिन में ही आपका डिलीवरी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगर 3 से 4 दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले आपको थोड़ा थोड़ा फील होने लगेगा पेन। एक पीरियड में जैसे आपका पेट पूरा जकड़ लेता है उस टाइप का पेन आएगा, फिर चला जाएगा, फिर 12-15 घंटे के बाद आएगा, उस टाइप का पेन आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके साथ ही आपको थोड़ा थोड़ा लूज मोशन भी लगेगा। और अगर आपका डिलीवरी नज़दीक है, कुछ घंटों में या 1-2 दिन में होने वाली है, तो आपका जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा होने लगेगा, वाटर भी साइड से निकलता रहेगा, कंटिन्यूसली नहीं निकलेगा। अगर बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा है उसका मतलब आपको तुरंत ही जाके आपको एडमिट होना है, उसका मतलब आपका वाटर ब्रेक हो चुका है। अगर पानी ऐसे ही निकल रहा है जितना कि आपका अंडरगारमेंट थोड़ा थोड़ा वेट हो रहा है, तो ऐसा अगर पानी निकल रहा है तो आपका डिलीवरी को अब कुछ घंटे बाकी है, डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा होगा, यूरिन पास करने के लिए बार बार आप जाएंगे और जो मेन चीज़ है पेन, एक्टिव लेबर पेन, जो पीरियड जैसा पेन होता था कुछ घंटों में आता था वो 6 घंटे में एक बार आएगा या 4 घंटे में एक बार आएगा और उसका इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगा। जो पेन आपको कुछ 60 सेकेंड्स के लिए फील होता था वो 90 सेकेंड तक फील होगा या इससे ज़्यादा 120 सेकेंड तक फील होगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। फिर 3 घंटे बाद वो पेन आएगा, फिर 2 घंटे बाद उस टाइप का पेन आएगा और थोड़ा ज़्यादा टाइम रहेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि आपका एक्टिव लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है और आपको तुरंत जाके हॉस्पिटल में एडमिट होना है और कुछ घंटे में ही आपका डिलीवरी हो जाएगा। वो डिपेंड करता है आपका बेबी कितना जल्दी बाहर आ रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा।